हेलो एंड वेलकम टू बट्टा पास, मैं नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और जिस तरह हमने आपको पिछली किस्त में वादा किया था, पाकिस्तान क्रिकेट ने जहां हम उसको छोड़ के गए थे और भी नीचे सतह दरियाफ्त की हैं अपनी बेइज्जती की। वी हैव नॉट परहैप्स हिट रॉक बॉटम जस्ट येट, बट ये हो चुका है कि बांग्लादेश के लिए एक तारीखी टेस्ट सीरीज विन पाकिस्तान में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, दोनों टेस्ट रावलपिंडी में हुए, दोनों टेस्ट बांग्लादेश में खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मोमेंट के बाद हुए। और दोनों टेस्ट में बांग्लादेश ने नहीं सिर्फ मैच में बढ़तरी हासिल की, बट ऐसी जगह से मैच जीता जहाँ से लग रहा था कि पूरी तरह हार चुके हैं, चाहे वो 448 पिच के डिक्लेयर हो या वो ये जितने भी डिक्लेयर किया था, या फिर दूसरे मैच में जब 26 पे 6 थे एंड देन नितिन दास स्कोर्ड व्हाट विल बी फॉरएवर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टेस्ट मैच इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। बांग्लादेश ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आउट बोल्ड, आउट बैटेड, आउट फील्डेड, आउट हसल्ड, आउट कैप्टेंड एंड टैक्टिकेंड पाकिस्तान। And for Pakistan, just finding more and more ways to be even more disappointing than before. यार मुझे सबसे पहले तो एक बांग्लादेशी फैंस और लिसनर्स अगर हैं हमारे, तो उन्हें एक ये एक कॉशनरी वार्निंग देनी थी कि देखिए पाकिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ आपको अपनी परफॉर्मेंसेस कभी जज नहीं करनी चाहिए। और आपकी एक तरह से थोड़ी बहुत बदकिस्मती है कि आपकी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस एवर तारीखी, यानी नॉट जस्ट कि बांग्लादेश की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस हैंड्स डाउन नहीं है, वो तो कोई शक नहीं है उसमें, आप किसी से भी पूछ लें, इससे बेहतर परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक बांग्लादेश ने कभी क्रिकेट फील्ड पे दी है, शायद ऑस्ट्रेलिया पे जो एक बार मैच में हराया था 2005 में, लेकिन यू नो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस एनीवेयर। जिस पोजीशन से ये जीते हैं, यू नो पहले टेस्ट में 448/6 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान, उसके बाद आपने 10 विकेट से हराया है, दैट्स ओनली द थर्ड टाइम इट्स हैपेंड कि टीम डिक्लेयर्स 6 और लेस डाउन। दूसरे टेस्ट में 26/6, व्हिच इज पर्टिकुलरली पॉइंटेड फॉर पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव पुल्ड ऑफ टू ऑफ द ग्रेटेस्ट जीरो F all for 6 wickets down and somehow go and win, boss a match and win it. So, the keeper scoring a century. With the keeper chipping it. So, greatest, one of the greatest series wins of all times. But aapki badkismati ye hui hai, I'm sorry to say, ki aapne Pakistan ke khilaf ye hasil kari hai. Aur jaise ki aapko Marcus North, the bowler, bata sakte hain, Shane Watson, the bowler, bata sakte hain, aapko Colin de Grandhomme, the bowler, bata sakte hain. Kai aur kitne, अहमद तुमसे मैं पूछूं तो पता नहीं 6 और नाम और आ जाएं, ऐसे ऐसे वो है ना प्लेयर्स जिन्होंने एक अपनी परफॉर्मेंस आपके खिलाफ कर दी द ग्रेटेस्ट, दुनिया ने कहा कि यार क्या प्ले रही है, क्या प्ले रही है। उसके बाद बिल समरविल न्यूजीलैंड के बॉलर, 5 विकेट ले ली थी अबू धाबी में, टेस्ट जिता दिया न्यूजीलैंड को 2018 में, ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए और गए, ऐसे गायब हुए। और बांग्लादेश आई प्रे टू गॉड कि बांग्लादेश build on this, and I think they will. I'm partly joking. I think they will. Lekin, boss, Pakistan ke khilaaf bas thoda sa soch samajh ke. Nahin, I think bilkul sahi baat hai, but usme sirf jo ek fark ye hai ke Bangladesh ke liye Pakistan ko harana is not about cricket. Aur isliye aisi team ke khilaaf is tarike se series jeetna, I think ke uska maza या जो भी उसकी उसका मतलब उनके लिए है या व्हाटएवर इससे वो देते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा ही फर्क है कंपेयर टू ऑब्वियसली यू नो ड्वेन ऑलिवर और पॉल हैरिस और कॉलिन डी ग्रैंडहोम टाइप लोगों की हरकतें, क्योंकि उनके मुल्क में उस राइवलरी की वो वैल्यू नहीं है। एंड आई थिंक ये सबसे क्रेजी चीज़ थी कि क्योंकि यू नो वही पिछले दफ़ा हमने बात की थी कि कितना सिम्बॉलिकली हैवी मैच था बांग्लादेश के लिए कि पीछे शेख हसीना के खिलाफ एक रेवोल्यूशन आई भी है, यहाँ पे रावलपिंडी में मैच हो रहा है। और चलो आपने एक मैच में पाकिस्तान ने बुरा खेला एंड दे यू नो चोज फोर बॉलर्स एंड दे यू नो वर कंप्लेसेंट, दे वर दिस, दे वर दैट। इन दिस मैच पाकिस्तान गेव बांग्लादेश इट्स बेस्ट शॉट,
राइट, कि उन्होंने 26 पे 6 कर दिया, जो उन्होंने बॉलर भी चुने थे उन सबकी दाल पिंडी में अच्छी कारकर्दगी थी। आखिरकार ना ही सिर्फ स्पिनर अबरार को खिलाया, और उस सब के बावजूद भी बांग्लादेश, एंड देन अगेन यू नो लाइक व्हेन यू गॉट दैट ड्वेन ऑलिवर्स एंड व्हाटएवर ग्रैंड होम्स या फिल सिमंड्स, उसके सब की इनिंग्स में वो एक बंदे के खिलाफ पूरी पाकिस्तान टीम ढेर हो जाती है। यहाँ पे अगेन एक फर्क ये भी था कि इनका मतलब नितिन दास के रन है, फिर मेहदी के रन है, फिर मुशफिक ने रन बनाए, बिल्कुल मुशफिक ने रन बनाए, फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं ऐसी पिच पे जहाँ पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को इनके बल्लेबाजों ने आराम से खेल दिया या एटलीस्ट यू नो न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, या, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑन एवरी मेट्रिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर मे बी टू डेज ऑफ दिस सीरीज एंड मे बी इवन आफ्टर ऑल 8-9 days के अभी भी यही यकीन है कि भाई पिंडी की पिच पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस मैच में रिजल्ट लाने का भी क्रेडिट उस बांग्लादेश में उस तरीके से जाता है जो आई थिंक यू नो लाइक अगेन व्हेन यू लुक एट ऑल दिस पाकिस्तानी कोलैप्सेस और टेरिबल परफॉर्मेंसेस और व्हाटएवर, तो उसमें जरूरी मतलब यू नो एज आई सेड बिफोर दे कैन हैपन एट एनी टाइम एनी प्लेस, तो डेफिनेटली इसी कैटेगरी के अंदर ये भी आती है। बट ये है कि अगर इस पर बांग्लादेश कुछ भी बिल्ड ना करे तो ये ता कयामत इनके लिए एक यू नो इट्स ऑलवेज समथिंग यू कैन गो बैक टू एंड फील गुड अबाउट, लाइक यू नो व्हेन वी बीट द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नो मैटर हाउ बैड थिंग्स गेट यू कैन ऑलवेज बी लाइक रिमेंबर इन इंडिया वाइल्ड इट्स इल बी लाइक दैट। और इसमें इनके यू नो जस्ट द मैनर ऑफ विक्ट्रीज के पेस बॉलर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू कॉल 10 विकेट्स इन इनिंग्स, हसन महमूद, तस्कीन, नाहिद राणा, और सोचो इसमें जो परफॉर्मेंस थी ना, मैं सोचा नाहिद राणा वाज लाइक आउटस्टैंडिंग, लाइक जस्ट दिस अमेजिंग ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू वॉच दिस गाय कम इन पिंडी ऑफ ऑल द प्लेसेस, होम टू द रावलपिंडी एक्सप्रेस, एंड बोल लाइक 150 केज एंड गेट विकेट्स, गेट बाबर आउट, गेट शान मसूद आउट, एंड देन यू नो हसन महमूद जस्ट रियली स्मार्ट स्विंग एंड सीम बोलिंग, taking 5 wickets and you know decent pace, like it wasn't like he was bowling mid 120, wo mid 130s, low 130s touch kar raha tha, and like swinging the ball a bit, taking wickets, 5 wicket haul, first Bangladeshi pacer to take a 5 wicket haul in Pakistan. Aur phir like the least kind of played up element of this attack is the biggest I think slap in the face for Pakistan, and this is about as iffy and vase as I'm going to get, ke, you know, Bangladeshi tamacha. This is the biggest slap in the face that Pakistan have. Tasqeen Ahmed has come back from career-threatening injuries that would have destroyed almost every single one of the Pakistani bowlers who we know at present. Not because of them, by the way, but because of the medical system around them. He's come back, and he's come back a better and smarter bowler. Mm. And he's having like a prolonged career after some serious injuries. And he's just a wonderful bowler to watch right now. He's like a smart, good, fast, hustling, bustling bowler to watch right now. And, you know, I think he picked up 2 wickets assist at Lithi, Rawalpindi ki aakhri innings mein. But he, you know, he was like the banker. Haan, ye Tasqeen to control bhi kar lega aur wicket bhi le lega. Itna achha ho gaya. It was just wonderful to watch him. You know, he missed that first test. God knows if he had played that first test, Pakistan ki kya halat hoti. He might have even been more damaged in that first test. So, just wonderful. And then, also to watch their one concession to kind of... You know, because they played like very non-funky cricket. उन्होंने कोई खास ऐसा out of the box नहीं खेला. उन्होंने अच्छी solid cricket खेली है. But the one thing that they did, which I loved, was when Zakir came out on the fourth day at the start of the chase. और उसने जो फेंटी लगाई है ना पाकिस्तान को, खुर्रम शहजाद को जो छक्के मारे हैं और ये कर रहा है, that was like the start that you wanted. कि ये जो chase है ना, ये आप ऐसे करते हैं. 180, 185 की chase है. Dark skies above, like everyone was thinking, yaar, yahan pe 2-3 wicket to girengi because conditions are perfect. Barish in the air, pitch mein thodi si help hai, new ball hai, Khurram Shahzad, you know, in good form. Aur usne jo aake innings khel liya na, that like that broke the back of the chase. Even though they were only, I think, like what were they? Were they even 40 something at the end of that day, or maybe 20 or something? But they broke the back of that chase then, just in spirit. Yaar, main aise khelunga. So that was like wonderful, wonderful to see. Aur ek main aakhri assessment. Before I stop this, मैं कहूँगा कि now look at Bangladesh coach Chandika Hathura Singh. He has, you know, लोग से गालियाँ बकते हैं, Bangladesh में भी गालियाँ बकते हैं. Like players have had issues with him. बहुत डांटता है, बहुत disciplinarian type है. BCB chief नए जो आए हैं फारूक अहमद, he said
before the first test, hey, I don't want him as coach, you know, ye sab bol diya. He has now overseen two of the greatest away series wins by any subcontinent side anywhere in the world, in the history of cricket. Ek, the first one, he was the coach of Sri Lanka when they beat South Africa 2-0 in the test series in South Africa, 2018. Mein. And even at that stage, he got kicked out of that job a month after that, by the way, a month or two after that. Andrew Fernando hame bata raha tha ki us waqt uski bhi position under threat thi jab usne wo jitaya hai. And now he's pulled off Bangladesh beating Pakistan. So, you know, he may not have an ICC title on his CV, but God damn it, man, you show me a better achievement for a coach of a subcontinent side than the two that he's pulled off in the last 6 years. I think I'm so glad that actually isi tarike se humne start kiya, kyunki Bangladesh ko unke, as Americans say it, they deserve their flowers, right? And this is a great point about Atula Senge himself. I think if I... hum bhi shamil the ki jab, I think pehli innings ke baad after the first match, even in the second innings, thoda ye tha ki achha, like, you know, na hi thi kitni improvement hui hai from one innings to the next. But yes, he's a such an untested, raw, falana dimkana. Magar uske bawajood, you know, just over the course of just a two-match series to see a young express fast bowler, like, get so much better at test match bowling, badi amazing cheez thi dekhne ke liye, something that has to be appreciated. And I think also something about, like, how, you know, test cricket is such a compelling sport. Kyunki, like, a lot of things have to go right for you to pull off what Bangladesh pulled off, right? A lot of things also have to go wrong, but you still have to be able to take advantage of it. And then after that, those things, a lot of times in this match, like, it, you know, I think a lot of times if, like, the pitch is really difficult, the conditions are really difficult, then you get crazy results. What's amazing is that two matches were in Pindi, where it wasn't like Pakistan was playing a lot of bad things, but it was, like, consistent. Like, I think that's what Bangladesh would feel so great about it, because that, you know, even that Zakir innings you mentioned, it wasn't something that lasted for 2-3 sessions or whatever. Like, kisi point pe aisa nahi tha ki ek khiladi haavi ho gaya to isliye wo match le gaye. There was actually, but even if you look at the Mushfiq innings, if you look at, like, all their bowling, it was stacking good overs one on top of the other, which is what makes test cricket amazing, and it's also what's so difficult to pull off, you know, because अच्छी से अच्छी टीमों में भी ये एक अक्रॉस के 11 खिलाड़ी आर पुलिंग टुगेदर टू पुट वन गुड ओवर आफ्टर द नेक्स्ट और टू बैटर्स और यू नो द होल बैटिंग लाइनअप इज पुटिंग गुड ओवर्स आफ्टर द नेक्स्ट इज समथिंग अच्छी टीम भी नहीं कर पाती इसलिए उनके पास जो सुपर स्टार्स होते हैं दे विल डू समथिंग आउटलैंडिश एट देयर टीम वेल्स सो दिस वाज आई थिंक ऑल्सो अमेजिंग के फ्रॉम अ टेस्ट मैच परस्पेक्टिव एज गुड अ टेस्ट विन फ्रॉम अ टीम परस्पेक्टिव एज यू कैन होप फॉर यू नो ऑब्वियसली वी एंजॉय वॉचिंग अगर कोई एक खिलाड़ी 300 bana, chalo 300 nahi, but, you know, plays a great inning or takes like 10 wickets or whatever. But what was amazing is that when you're looking at a side that's had a horrible run, that is in very, in conditions where even the home team is thinking ke bhai normal tarike se koi is match pe natija aa hi nahi sakta hai, to hame bhi kuch aukha karna padega. Wahan pe aap, you just play good fundamental cricket, and, you know, whenever Pakistan threatened to have an advantage, वहां पे यू डोंट आप ढेर नहीं हो गए विच जस्ट लुकिंग एट बांग्लादेशी टेस्ट हिस्ट्री बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दे वर सो मेनी पॉइंट्स इन दिस मैच व्हेयर दे कुड हैव जस्ट थ्रोन इट अवे विच दे हैव डन इनफिनिट टाइम्स मगर उन्होंने नहीं किया और दूसरा कि पाकिस्तान जब भी थोड़ी सी भी उनको जगह दे रहा था दे वर टेकिंग इट कंप्लीटली राइट लाइक वी कैन गेट टू आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ राइट नाउ लाइक आई थिंक मुझे आई लीव यू दिस एनालॉजी इट फील्स लाइक the test match, the test side right now, and maybe all of Pakistan cricket, it's like jo West mein liberal democracies hain ke, you know, the traditional liberal parties are completely fractured, they're the far right is on the rise, aur aapko nahi lagta ki ye status quo wapas chal sakta hai, but aage kya hai kisi ko nahi pata. You know, we're still hearing rumors that the new captain won't be Rizwan, which, yeah, that just adds a lot of layer of spice to that next biryani. Also, like, we don't know yet. Agar, you know, mujhe halka sa doubt creep in ho gaya hai. Literally, abhi to haare hain. Like, literally in the last, like, 12 hours. Ki log shaan ko, shaan niklega ya nahi. I don't know. I saw his press conference yesterday, and
like the one thing I will say about him, or at least his press conferences, is that he's been honest in them. Forget articulate, forget like, you know, English achhi bolta hai ya jo bhi, wo sab bakwas chodo. He's actually been honest about, you know, and some of the stuff that he said, ke bhai aap kal usne bola ke aap, you know, ye test matches hum log aise khel rahe hain jaise ke hum maths exam hone wala hai aur hum science ki padhai kar rahe hain. You know, they're not playing, which is a really great and correct analogy in that Pakistan are not playing any red ball cricket. You know, ये पूरे जनवरी से लेके अब तक जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट था उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने नहीं खेली है रेड बॉल क्रिकेट एकदम एक भी नहीं. यानी आई थिंक कुल मिला के टीम ने शायद 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों शाहीन्स के या एक दो वार्म अप मैच हो गए. फिर उसने यू नो कहा कि लाइक टू गेट बेटर एट टेस्ट क्रिकेट यू जस्ट हैव टू प्ले मोर रेड बॉल क्रिकेट एंड वी आर नॉट डूइंग दैट. अभी इंग्लैंड से पाकिस्तान खेलेगा अक्टूबर में वो सीरीज शुरू है और कायद आजम ट्रॉफी उस सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुरू हो रही है. और पाकिस्तान की वार्म अप जो होगी वो माशाल्लाह चैंपियंस कप वनडे कप 50 ओवर की होगी. तो यू नो लाइक ये आपका सीजन ही ऐसा है कि आप जब तक आपका फर्स्ट क्लास सीजन एक्चुअली शुरू हो रहा है आप अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे होंगे. यू नो और उससे पहले आपने 10 महीने 8 महीने 9 महीने टेस्ट खेले नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है. तो यू नो ये पॉइंट वो रेज कर रहा था एंड ही रियली इज नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग अबाउट इट. उसने ये भी कहा आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विच एंड दिस इज द थिंग उसकी ऑनेस्टी एक है बट ऑल्सो लाइक डूड यू द कैप्टन लाइक स्टॉप मेकिंग दीज बैड डिसीजंस. यू नो उसने कहा कि नाउ इन हाइंडसाइट मे बी वी शुड हैव स्प्लिट द रेस्ट दैट वी वांटेड टू गिव नसीम एंड शाहीन. यानी एक साथ ना उन्हें रेस्ट करवा देते. तो यार ये तो आपके हाथ में थी ना ये चीज. यानी आप भी उस सिलेक्शन कमिटी जो आपकी माशाल्लाह पिछले 3 साल में कोई 18वीं सिलेक्शन कमिटी है, इस बार अब कैप्टन का वोट है, कोच का वोट है और असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ का वोट है. तो आप यानी खुद आपने क्यों नहीं पुश करा कि भाई नसीम को खिलाना है इस टेस्ट मैच में. बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने इतना इसके बारे में बोला है बट आई डोंट थिंक इस पॉडकास्ट पे बोला है बिकॉज हमारा पॉडकास्ट हुआ नहीं है इस टेस्ट के बाद. मगर हाउ एनीवन in this world could ever justify a fit Naseem Shah not playing ahead of a fit Muhammad Ali on any pitch. To be honest is like, you know, ek maine kahin padha tha, kisi ka blog tha, bada acha usne likha ke Pakistan ne jo is test ki planning kari thi na ki ha hamara ye attack hai bada deliberately ki is pitch ke liye hamara ye best attack hai. Unhone basically attack pick kara hai ek session of bowling ke liye. न्यू बॉल से जो भी कर सकते हैं ना करें, उसके बाद से घंटा हमें मालूम है कि क्या होना है. और यही हुआ है बिकॉज यू नो नसीम इज अ बॉलर हु बॉल्स फेमसली इज वेरी गुड इन ऑल फेजेस ऑफ द गेम विद ऑल काइंड्स ऑफ द बॉल. वो बॉल पुरानी हो न्यू हो, नसीम फाइंड्स अ वे. उसके रिवर्स स्विंग के स्पेल्स हैं, उसके बाउंसर स्पेल्स हैं विद अ सॉफ्टर बॉल, उसके न्यू बॉल स्पेल्स हैं. यू नो ही डज दैट, दैट्स व्हाट ही इज देयर फॉर. एंड यू लुक बैक नाउ एंड यू थिंक 26 for 6 पे इफ यू हैड नसीम कमिंग इन इंस्टेड ऑफ मोहम्मद अली, then that changes the nature of that game maybe, you know. This is all hindsight, but I just, mujhe abhi bhi, aur Shan ne kaha ki bhai, you know, maybe we shouldn't have rested them together. I mean, you think, like, ye batane ki koi baat hai, ki you shouldn't have rested them both together. So, his honesty, like, all these things came out, and I felt kind of bad for him, but, you know, and then I thought ki maybe, actually, maybe given the amount of criticism they're getting for being, like, you know, for all this change that's happening in Pakistan cricket, uski bhi hum baat karenge, jo itna kuch change hua hai pichle 2-3 saal mein, maybe they'll actually say, no, we're going to stick it out and we're going to give him another series. I don't know. But on the surface, jis tarah ki uski series gayi hai bat ke saath, aur jis tarah ki uski decisions usne banayi hai, in terms of selection, in terms of composition of team, and in terms of his batting, I just don't see how he survives this. You know, I feel like the questions have probably already begun. Yeah, I think थोड़ी देर में in this episode हम लोग बात करते हैं about the structural issues such as the schedule and number of tests और ये सारी बातें. क्योंकि I think खिलाड़ियों के बारे में अगर थोड़ी सी हम करके फिर आगे बढ़ें, because as you know, शान मसूद बाकी जो कोई भी फैसले ले रहा हो, सबसे बड़ा एक तो मसला यही था कि जब उसको कप्तान बनाया भी गया था तो उसकी यू नो जस्ट द बेयर नंबर्स वर नेवर ग्रेट. मगर इसकी एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जहाँ पे उसके आपको नंबर्स वो खुद शायद इतने रन ना कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है कि वो
important lamhat pe he'll make good decisions or he'll make good selection calls based on a good sound strategy, right? Or ek Babar ki kaptani ke khilaf jo sabse bada masla yahi tha ki was so reactive, if at all, like, you know, he had a certain way that he was going to play the match aur waise hi wo khelta rehta tha chahe wo jo kuch bhi ho raha hai, right? Wasn't adding a lot more to it. But Shan ne ek to waise hi uski batting ki form kafi kharab ja rahi thi, but jab wo khud hi admit kar raha hai ki hamari ye Naseem ki selection ke sath galti thi. Again, like, I don't know what he said about it, but choosing four fast bowlers and not a spinner in the first test match was also a really, you know, consequential mistake in terms of like the approach and the selections and everything. Or I don't think he was like a bad captain, but, you know, at some point, jis wajah se usko kaptan banaya gaya tha, uski koi aapko misal to dekhe ki haan yaar, this point pe Shan's captaincy really stood out. And again, you know, I was thinking about this ki Misbah ke baare mein hum aksar baat karte hain, but Misbah jo kuch bhi tha, even when there was a lot of, you know, we talked about ki Misbah aaya usne phir jab runs banaye so the question stopped, but even then Misbah was still coming to a side that was bereft of a lot of big names, so wo uske bawajood bhi sawal uthte the, but matlab aur koi tha bhi nahi itna kuch. Shan ke upar sabse bada masla ye tha ki you've got Babar the king in exile, Rizwan the king in waiting, Shaheen the heir to the Afridi legacy, you know, to go straight away, you've got this, there's a lot more alternatives out there. Aur uski upar matlab ke aapki apni karkardagi kabhi nahi ho pa rahi hai. So I think like at some point, you know, there's it becomes difficult to also get people to believe in these things. And when you start making errors which you're supposed to be good at, then that also, you know, आपकी जो मार्जिन ऑफ या जो लोगों की पेशेंस होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है. तो वहां पे आई थिंक इट्स बीन डिसअपॉइंटिंग बिकॉज यू नो लाइक शान पुट टुगेदर द बेस्ट काइंड ऑफ रेज्यूमे यू कैन इन अ वाइट वॉश इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू नो जस्ट नन ऑफ दोज थिंग्स वर विजिबल इन दीज टू मैचेस. और ऑब्वियसली उस पर गलती किसकी है नहीं है अब ये सारी वजूहत हैं, बट एज द कैप्टन दैट कम्स ऑन हिम. That being said, कि क्योंकि ये टेस्ट मैच है तो एक लेवल पे पब्लिक क्या भी यू नो नेवर केयर्स एज मच अबाउट हॉरिबल टेस्ट मैच डिफीट्स एज इट डज इन अदर टू फॉर्मैट्स. और दूसरा ये कि यू नो जिस अजूबा लेवल पे ये बोर्ड चल रहा है और सब कुछ हरकतें हो रही हैं, आई एग्री विद यू दैट मे बी दे माइट नॉट गो दैट वे, बट वी कम बैक टू द प्लेयर्स. यू नो the biggest problem for Shan Masood as a captain is ke neither your premier bowler nor your premier batter are justifying their place in the side. It's one thing agar Shan Masood runs nahi bana raha hai, but it's another thing agar Babar Azam, like, you know, his run for now very long time now, aur usi ke sath sath aapke matlab baki ballebaz bhi aage piche the, but even with the bowlers like Shaheen has not been Shaheen for a while, is not been available for a long while as well. Or I don't know, mujhe koi badalte hue kab dikhega, like, you know, that's, I think with both of them us lamhe pe aa chuke hain where instead of asking ke, oh, when will they regain their form, you're now thinking, did they have a long enough run as world class for me to be ranking them this high? Like, you know, ke is level pe सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि उनकी ना ही सिर्फ कि अभी फॉर्म खराब है या नहीं, कि हम उनको जिस लेवल पे देखते हैं एज प्लेयर्स वो बदलना शुरू हो गए. वो एलिमेंट है फॉर श्योर, और मैं उस पे आता हूं, आई विल कम बैक राउंड टू इट. एक चीज जो है ना, व्हाट यू सेड के इनका फॉर्म कब वापस आएगा, इससे मुझे लगता है ज्यादा जो अहम सवाल है ना वो ये कि इनका फॉर्म कैसे वापस आएगा. लाइक नॉट जस्ट बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है खेलने की, यू नो दे आर नॉट प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट. इवन बाबर की भी एक तरह से ये प्रॉब्लम है दैट उसके इतने लंबे लंबे गैप्स हो जाते हैं बिटवीन टेस्ट मैचेस एंड ही प्लेस सो मच वाइट बॉल क्रिकेट इन बिटवीन के यू नो योर रिदम गोज इन द बैटिंग. बट आई जस्ट एंड वी हैव टच्ड अपॉन दिस बिफोर, पर शाहीन के साथ भी शायद टच करना चाहिए, इज दैट यू नो एट वन पॉइंट दे हैव टू फाइट देयर वे बैक इनटू फॉर्म. और कोई नहीं कर सकता है उनके लिए, वो कोच जितनी भी टिप्स दे उन्हें, जो भी मदद करे, जितना भी वो जो कुछ भी करें, फॉर्म
वही कर सकता है. इट्स डाउन टू लाइक यू नो स्पोर्ट्समैन्स फेट इज काइंड ऑफ इन हिज हैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज और हर हैंड्स. दे हैव डू दे हैव दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ हाउ टू इंप्रूव देयर गेम, हाउ टू गेट आउट ऑफ अ रट? डू दे हैव दैट सेंस? और मुझे अभी तक इतना कुछ नजर नहीं आया है कि दे डू हैव दैट सेंस. नाउ यू नो देयर्स वैलिड रीजंस मे बी व्हाई इट हैजंट हैपेंड. बोथ हैव बीन स्टिफ्ड ओवर बाय द बोर्ड in the last like year and a half, 2 years, jo aapke jo sabse bade superstar player hain aap hi ne banaye. Ek ko to aapne fully create karke duniya ke upar choda hai, Babar ko videos, Shushan jo tumhe bahut pasand hai, wo Shushan videos bana ke ki oh Babar king superstar aa gaya, you know that's kind of bakwas usse aapne bana diya Shaheen ko, but you know then treated them both badly. How much does that affect them? How much does that take away that kind of drive in them ki yaar मुझे अगर इम्प्रूव करना भी है एंड में तो मेरे एम्प्लॉयर्स तो यही रहेंगे? यू नो आई डोंट नो लाइक आई एम रियली स्ट्रेचिंग हियर मे बी, बट अल्टीमेटली अगर आपके एम्प्लॉयर्स वही रहेंगे और बदतरीन से बदतरीन होते रहेंगे जो पिछले 3 साल में हुआ है, तो देन व्हाट मोटिवेशन डू यू हैव टू डू एनीथिंग अदर देन जस्ट सी कि यार मैं कहां से पैसे कमा सकता हूँ, अपनी करियर थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ और बस निकलूं मैं यहां से? यू नो आई डोंट वांट टू बी द ग्रेटेस्ट बैटर दैट एवर लिव्ड. आई जस्ट वांट टू बी द गाय हु सर्वाइव्ड दिस एब्सोल्यूट ब्लीपिंग ब्लीप ब्लीप स्टॉर्म ऑफ ब्लीप दैट हैज बीन फ्लंग एट मी. दैट्स ऑल आई वांट टू डू. यू नो आई डोंट नो दैट प्लेज अ पार्ट. आई थिंक आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू फॉर वन सेकंड, यू कैन रिज्यूम. आई थिंक इन फैक्ट मुझे ये जब व्हेन यू वर सेइंग दिस लाइक पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलना इन दो खिलाड़ियों के लिए It's the same thing जो आजकल I'm sure a lot of people listening to this who move abroad, जब वो सवाल उठता है ना कि पाकिस्तान में क्यों रहे, तो वो होता है कि नहीं यार it means more than just the money और उसकी एक बड़ी value है और you know इसलिए there's a meaning फलाना. I think that's the same thing with test cricket, right? There's no good reason, financial security and job enjoyment or quality of life or whatever to stay in the test side. Other than, you know, these kinds of test, एक बड़ी चीज़ है और टेस्ट का प्लेयर ये होता है वो होता है, जो आई थिंक इन शाहीन एंड बाबर्स लाइफ टाइम्स अनलाइक लेट्स से द प्लेयर्स इन द 90s एंड अर्ली 2000s, देयर इज ऑल्सो नो रियल लिविंग मेमोरी ऑफ समबडी हु इज जस्ट फेमस फॉर बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, राइट? लाइक व्हिच वाज ट्रू फॉर द 80s एंड द 70s एंड मे बी टू द 90s. तो वो उसकी किसी भी लेवल पे जो टेस्ट मैच क्रिकेटर होने की इंसेंटिव एज यू पुट इट डजंट रियली एग्जिस्ट. बट या कंटिन्यू. हाँ नहीं, और मैं ये कह रहा था कि नो फॉर्म इन दोनों की ऐसी हो गई है कि इट्स बिकम लाइक इन हर एंगल से कुछ बुरा चल रहा है या हर एंगल कुछ फेल हो रहा है. जैसे शाहीन का पेस कम हो गया है, उसकी स्विंग चली गई है, उसकी एक जो यू नो एक एबिलिटी थी लिमिटेड थी बट इट वॉज मे बी इवॉल्विंग अ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग आउट हाउ टू गेट प्लेयर्स आउट एंड स्टफ लाइक ऑल ऑल दैट इज गॉन. तो उसकी जो एक स्ट्रेंथ थी, उसकी एक जमाने में बाउंस होती थी यार, यू नो दैट सीम्स टू हैव गॉन, दैट निप ही यूज्ड टू गेट ऑफ द विकेट, दैट सीम्स टू हैव गॉन. मे बी दैट्स ऑल इंजरी रिलेटेड. बाबर की वीकनेस किसके किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ नहीं हमने देखी है पिछले 3 साल में? लेफ्ट आर्म स्पिन, राइट द आर्म बॉल, शाकिब ने उसे आउट करा है इस सीरीज में. फिर वो इनकमिंग एक फास्ट बॉल जो बोल्ड होता है, वो कमिंस, हेजलवुड, इन सबने उसे ऐसे आउट करा है. फिर गूगली वाइट बॉल में ज्यादा, बट गूगली, कुलदीप यादव और राशिद खान इसे जिस तरह से आउट कर रहा है सबने देखा है. एंड लेटली आई फील लाइक इस सीरीज में शायद मे बी इट्स टू अर्ली टू से, बट लेटली आई फील लाइक ही इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद हिज फोर्थ स्टंप लाइन आल्सो, यू नो. तो हर फैब फोर में जो सबकी एक एक प्रॉब्लम थी ना, विराट कोहली की एक आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, रूट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था अपनी स्टार्ट्स, विलियमसन तो है ही अल्लाह मियां की गाय, परफेक्ट हो, यू नो नथिंग इज रॉन्ग विद हिम. स्टीव स्मिथ, आई डोंट नो, फिजिटी और समथिंग, व्हाटएवर, बट ऑल दोस प्रॉब्लम्स सीम टू हैव कंपाउंडेड इनटू हिम. एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज स्टिल ही डजंट लुक आउट ऑफ फॉर्म. दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट हिम, अबाउट वॉचिंग हिम एटलीस्ट, इज दैट ऐसा स्क्रैची नहीं लग रहा है वो. ही इज जस्ट गेटिंग आउट, एंड यू नो दैट अगेन इज दैट अ साइन ऑफ लाइक कॉन्सेंट्रेशन लैप्सेस, इज दैट अ साइन ऑफ दीज technical weaknesses, and there are, you know, there's some wonderful threads on Twitter jo uski dissecting his footwork and angle of his bat and stuff, and that all has merit, you know. Obviously there is some technical issue happening there that keeps on happening, but again I go back to that point ke what is the incentive for him to change and improve his game?
is that incentive there, especially with this administration and any future administration and previous administrations? I don't know. I don't think so. It's becoming really difficult these days to disassociate anything that happens on the field with, you know, usually you are the one who always big picture dekhte ho ki nahi dekho board ka ye 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 aur ye hai aur main kehta hu ki nahi yaar ye players kam bakhte hain kuch hua nahi kuch maine magar is defeat ke baad mujhe waqai mein lag raha hai you know besharmi ki bhi had hoti hai yaar abhi aap hare hain test match aur uske agle din I think 24 ghante bhi nahi hue aur Sarfaraz Ahmed jo is match mein wicket keeper tha baitha hua hai Champions Cup ki press conference kar raha hai as mentor you know wah wah kar raha hai ki ha hum change karenge it's not this is not on Saifi Saifi is an employee he has to do it usse to kaha hua hai he has to do it but ab thodi si yani I don't know I just felt like the rush to kind of get this tournament this vanity project in ki bas jaldi jaldi Champions Cup Bangladesh ko chhodo chalo haar gaya move on it's like guys can we just sit back and let this loss absolutely sink itself into us and realize where we are. वो बाजिद की एक जबरदस्त क्लिप है जो वायरल हो गई है जो उसने दो तीन टीवी शो पे बोला है जाके कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप एक मिड टेबल टीम है सेकंड टियर टीम है तब तक कुछ नहीं होना है और अभी भी कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या देख ही नहीं रहे उन्हें परवाह नहीं है कि हम सेकंड टियर टीम हो गए पाकिस्तान सेकंड टियर टीम हो गए क्या मगर जब तक वो रियलाइजेशन आएगी नहीं आपके पास आई थिंक तब तक कुछ नहीं होना है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आई थिंक एक तो पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि ये रियलाइजेशन शायद एक तो क्रिकेट खुद भी एक्नॉलेज नहीं करता है ना कि लाइक फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स लाइक अ टू और थ्री टीयर्ड स्पोर्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग मगर उसका फॉर्मेट इसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता है और आई थिंक क्रिकेट भी कर ले तो बाकी सबके लिए भी आसान हो जाएगा बट एग्जैक्टली के आई थिंक अब अगर हम बोर्ड की तरफ आ जाएं यू मेंशन द चैंपियंस कप तो उसकी तरफ चलते हैं बट उस वक्त मैं लोगों को ये बताता चलूं कि बिटवीन द प्रीवियस मैच एंड द स्टार्ट ऑफ दिस मैच उस्मान एंड आई फॉर वंस हम मैचेस को 10-10 दिन बाद एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं बट जैसे ये खबर आई थी चैंपियंस कप की उसके कुछ ही घंटे बाद हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड की एंड देन मैंने अपने माइक को छेड़छाड़ की और पूरी उसकी साउंड तबाह हो गई एवर नकवी ने अपनी कराची के इंटरनेट इश्यूज सक्सेसफुली एक और मुल्क में ले आए आई थैंक यू फॉर यू नो नॉट रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफाइड स्टांस ऑन दिस बट यस दिस वाज टोटली ऑन मी और बहुत अच्छी एपिसोड थी और उस पर हमने काफी तफसील में बात की थी इस इशू के बारे में विच वेल I am, you know, it's lost, but we're going to continue that. Or one of the things that we were talking about there, or abhi bhi ke, ek cheez hai acknowledge karna ki aap ek mid-table side hai, whatever, right? Magar usi ke saath saath Pakistan cricket mein is baat ko bhi nahi recognize kiya jata ki aapka actually mustaqbil bahut zyada khatre mein. Because you're the only team in world cricket jiska India ke saath koi nayi regular series ab to hogi nahi ya ho hi nahi rahi. और उसी के साथ साथ आपके खिलाड़ी आईपीएल नहीं जा रहे एंड एवरीबडी एल्स इन वर्ल्ड क्रिकेट हैज सम लेवल ऑफ एक्सेस टू दैट जिसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ उनकी अपने बोर्ड के पास एक एबिलिटी है इंडिया वाले मैचेस में पैसे कमाने की बट एट द सेम टाइम कि उनके प्लेयर्स वगैरह जो उनका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है आउटसाइड द नेशनल टीम वो भी आईपीएल का हिस्सा रह के वहाँ से यू नो एक्सपोजर एक्सपीरियंस लाइक जस्ट कोचिंग एंड analytics blah 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 us sab se aapka cricket infrastructure mehroom rahega right and as the political situation in India determines how the BCCI and the ICC operates it's not looking like it's going to get better anytime soon which is why bada zaruri hai Pakistan ke liye ki wo Pakistan cricket ke liye ki it figures out how to be sustainable in the long term and that's a conversation jo ho hi nahi rahi इसमें आप बोर्ड को तो छोड़ें ना ही आपके साबिक खिलाड़ी करंट खिलाड़ी आपके हम जैसे मीडिया में जो तमाम लोग हैं एवरीवन हु इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट नॉन स्टॉप यू नो वी स्टॉप टू लाइक एक्नॉलेज कि जी इंडिया को गालियां दे दें ये करते हैं वो करते हैं मगर एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कि अक्सर जब ये मैच हारते हैं पाकिस्तान तो लोग कहते हैं जी क्रिकेट का भी हॉकी वाला सीन हो जाएगा क्योंकि थिंकिंग ये है कि जी हॉकी
में टीम बुरी हो गई, वो मैचेस हारने लगी, लोगों में दिलचस्पी खत्म हो गई, स्पोर्ट खत्म हो गया. बट एक्चुअली हॉकी का चेंज आया है बिकॉज द बॉडी दैट गवर्न्स द स्पोर्ट स्विच फ्रॉम ग्रास टू एस्ट्रोटर्फ. इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टिकुलर डिड नॉट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. एक पूरी जनरेशन फेल बिहाइंड एंड देन इन पाकिस्तान इट नेवर हैड दैट इन्वेस्टमेंट अगेन. व्हाइल वर्सेस इन इंडिया बिल्कुल एक नए सिरे से हॉकी में इन्वेस्टमेंट हुई टू गेट बैक टू वेयर दे आर नाउ. That's what's going like if you have to make an analogy with hockey in Pakistan cricket ke saath ye wajah ho sakti hai ki the governing body makes these changes that freezes you out of the game and you have no way no investment to get back into it. Ye cricket ke saath ek reality ho sakti hai and that reality may might not be so close right now but what Usman can get into the details of ki jab aapka board इस किस्म की अहमकाना हरकतें कर रहा है. व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट वाज दैट इट वाज अनाउंस्ड दैट द पीसीबी इज पेइंग और इट वाजंट अनाउंस्ड आई थिंक इट वाज लीक्ड के पीसीबी के जो मेंटर्स हैं उनकी जो ये चैंपियंस कप होगा उसमें डोमेस्टिक टीम्स होंगे, डोमेस्टिक टीम के मेंटर्स होंगे, ना ही वो कोच होंगे ना ही सेलेक्टर होंगे ना ही कुछ होंगे, मगर उनको जो सैलरियाँ दी जा रही हैं इज 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ पाकिस्तान्स ब्रॉडकास्ट डील फॉर द होम सीरीज फॉर द होम सीजन. Not one season, home season की जो broadcast rights हैं उसके 50% आप 5 mentors को mentors को दे रहे हैं जिनसे आपने कुछ भी नहीं मांगा है कि ना ही coaching करो ना ये करो ना ही वो करो. And that kind of recklessness I think rang the alarm bell for us. हाँ, yeah, I mean you know सबको अब मालूम होगा कुछ दिन हो चुके हैं उस story के, but basically bottom line is कि जो 5 mentors हैं आपके सकलेन मुश्ताक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, मिसबाह उल हक और वकार यूनिस, इनमें से तीन पाकिस्तान के पिछले कोई हाल ही में कोई हेड कोच रह चुके हैं. रिजल्ट सबके सामने हैं, पाकिस्तान ने क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं पिछले कुछ सालों में. तीन हेड कोच रह चुके हैं तो इफेक्टिवली ये पाकिस्तान की जॉब फिल करके ऊपर पहुंचे हैं मेंटोर रोल में. मेंटोर रोल में इन सबको 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3 टूर्नामेंट हैं इफेक्टिवली साल में, एक या अभी वनडे कप होगा और फिर इसके बाद आई थिंक दिसंबर में शायद विंडो है T20 कप की और फिर लेटर ऑन 4-day match का टूर्नामेंट एक होगा. मसला ये नहीं है कि इन लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, हालांकि ये है थोड़ा सा मसला, मगर ठीक है वो भाई बोर्ड पे कर रहा है ठीक है. मसला जो अहमर ने बोला वो ये है कि इनसे आप रिटर्न में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं. आपने कॉन्ट्रैक्ट में, चलो आई एम श्योर Although I'm not sure, अगर है बट कॉन्ट्रैक्ट में शायद हो KPIs हो कुछ के भाई हमें ये चाहिए, मगर आप वो KPIs किस तरह से मेजर करेंगे. क्या आप इनसे ये कह रहे हैं कि यार आपको हर टीम से 3 प्लेयर निकालने हैं जो अगले 2 साल में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं? और अगर वो नहीं होता है तो आप क्या इनसे पैसे वापस ले लेंगे? ये पैसे आप कुल मिला के अगर देखें तो 50 लाख, 5 million rupees a month for the five, which is and that's not, by the way, there is maybe a mentor in there who's getting more. So he's not restricted to the, he's not capped to the 50 lakhs. And I'll tell you another, if you remind me, I'll tell you another interesting story about one of the other mentors who we're not going to name. But to ye 50 lakh inhe mil rahe hain, which adds up to, it's about $18,000 a month. Ye agar aap kul milayen 3 saal pe, to it came out to $2.7 million, I think, $2.8 million. पाकिस्तान का ब्रॉडकास्ट डील बायलैटरल राइट्स का, नॉट पीएसएल और एनीथिंग, बट बायलैटरल जो पाकिस्तान की अगले 2.5 सीजन में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें इंग्लैंड से सीरीज शामिल है, उसमें ये बांग्लादेश वाली सीरीज शामिल है, उसमें अगले साल साउथ अफ्रीका आएगा, उसका कुल वैल्यू पाकिस्तान को 6 से 6.5 मिलियन मिला है. तो अब ये मैंने, यानी ये डायरेक्ट अकाउंटिंग ऐसी नहीं है कि वो जो पैसे आ रहे हैं उसमें से हम निकाल के यहां दे रहे हैं, या यू नो इट्स नॉट लाइक दैट. But as a proportion of that, aap agar dekhen 2.7 million of 6.5, it's nearly half of your entire broadcast rights deal you're paying on these roles. And it's not the cricketers themselves, yaar. Mujhe aur Ahmed ko koi 50 lakh rupay ka mahine ka kahe kaam karo, I would do it, frankly. It's not on the cricketers. Magar aap apna itna paisa on pe kharch kar rahe hain, aur aap, by the way, coach nahi hai, coaches ko itne paise nahi mil rahe. Players ko, I think, 4 se 4.5 lakh rupay mahine ke milenge. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के. पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो टॉप इलीट प्लेयर्स हैं उसमें सिर्फ कैटेगरी ए के जो 3 प्लेयर हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शायद चेंज होने वाले हैं, लाइक उसमें जो एनुअली चेंज रिन्यू होते हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो शायद इसमें कुछ बदल आए, मगर
तीन प्लेयर्स हैं, शाहीन, बाबर एंड रिजवान, जिनका मंथली रिटेनर इनके रिटेनर से ज्यादा है, और सब प्लेयर्स, आप सोचें, और सब प्लेयर्स पाकिस्तान सेटअप के साथ जो हैं, नसीम शाह हो गया उसमें, साउद शकील हो गया उसमें जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, सलमान आगा हो गया देयर मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द लास्ट यू नो हाउएवर लॉन्ग, आपके सब प्लेयर जो हैं वो बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार शोएब मलिक को या किसी और को, रही सरफराज अहमद को या मिसबाह हक को 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, उनका काम क्या है? ना उन्हें कोचिंग करनी है, ना उन्हें सिलेक्शन करनी है, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी एंड ऑफ द डे, अगर आपकी टीम ना फाइनल में पहुंचे तो शायद आपको फायर कर दें, मगर उस पे भी आपको कुछ अच्छी ठीक ठाक तगड़ी रकम मिलेगी फायर होने की एज कॉम्पनसेशन. तो यू नो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लाइक द मैथ्स ऑफ हाउ दे आर वर्किंग दिस आउट. दिस इज रिडिक्युलस एंड इट इज नथिंग बट प्योरली वैनिटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द करंट चेयरमैन, एज मेनी हैव हैपेंड इन द पास्ट इंक्लूडिंग रमीज राजा विद हिज पीजेएल, ब्लास्टेड पीजेएल, जो और भी उसमें भी पैसे खर्च हुए थे, लूज हुए थे. इट्स जस्ट प्योरली अ वैनिटी प्रोजेक्ट टू शो पीपल कि देखो ये मैंने करा था, ये मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ, और कुछ नहीं. इसमें घंटा इन लोगों को कोई गैप फिल करना है, जो इनका स्टेटेड एम है कि हमें गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कम करना है. यार आप वो गैप अगर आप वही प्लेयर्स खिला रहे हैं जो कि इस वनडे कप में वही प्लेयर्स होंगे जो पिछले साल खेल रहे थे डोमेस्टिक सीन के, कोई उसमें कोई नया बंदा ऐसा नहीं आ रहा है, वही अगर 80-90% आप वही प्लेयर खिला रहे हैं तो आप क्या गैप कम कर रहे हैं उसमें. और एक आखिरी जो मैं अपने कहा था ना, रिमाइंड करूंगा, एक मेंटोर इसमें से है जिसमें से मैं नाम नहीं लूंगा और ये भी एक क्वालिफायर दूंगा कि ये एकदम 100% वेरिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसे मेंटोर हैं इसमें जिनके बारे में कहा जाता है कि पिछले 1-2 साल में उन्होंने बहुत बहस करी कि डिपार्टमेंटल सैलरीज जो प्लेयर्स के लिए हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, उस पर कैप लगा देनी चाहिए, और वो कैप होनी चाहिए कोई 2.5-3 लाख की, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए उनके पास, क्योंकि ये आप अनसस्टेनेबल हो जाएगा अगर आप इतने पैसे प्लेयर्स को देना शुरू कर दें और वो उसकी इकोनॉमिक्स आउट हो जाएगी. तो वही अगर ये बात यानी वाकई में वेरीफाई हो जाए तो यू नो दैट मेंटोर नाउ इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ मनी विच टू मी इज कंप्लीटली अनसस्टेनेबल, कंप्लीटली अटरली अनसस्टेनेबल, बिकॉज ना इस टूर्नामेंट से कोई पैसे आपको बनने, अभी तक ब्रॉडकास्टर अनाउंस नहीं हुआ है, सुनने में आया कि कोई है एक ब्रॉडकास्टर शायद आ जाए, कोई कमर्शियल एज सच आई डोंट थिंक होंगी, वो अभी तक पीसीबी की साइट पर एड लगा हुआ है कि हमें कोई पार्टनर मिल जाए हमारी टीम्स के लिए, क्या पैसे बनाएगी वो और क्या खर्चे होंगे इस पे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी, लाइक आई डोंट नो. सो आई थिंक कि ये जो वैनिटी प्रोजेक्ट्स वाली बात है ये इतनी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक क्रेजी सीन चला हुआ है कि ये रमीज राजा ने पीजीएल की और मोहसिन नकवी साहब इस पे कर रहे हैं चैंपियंस कप, जिसकी यू नो दी ओनली थिंग जो हमें एंड में समझ आया है कि आप अगर 50 लाख दे रहे हैं प्लेयर्स को तो वो यही करेंगे जो सरफराज उस दिन कर रहा था, कि देन ये खड़े होके इनकी कमर के ऊपर एक टारगेट है और लोग इनको गालियां बकेंगे और ये खड़े होके डिफेंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को बिकॉज दे आर गेटिंग पेड दैट क्रेजी हाँ, अमाउंट. मे बी वो इसीलिए डिजाइन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई करेंगे है, एक एक करके सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं. बिल्कुल, तो वो उस तरीके से एक एक यू नो वो आप इशू को डिफ्लेक्ट करने के लिए इन खिलाड़ियों को शायद इतने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि और तो कोई सस्टेनेबल जस्टिफाइबल है ही नहीं. क्योंकि जस्ट टू रिएटरेट, लाइक अगर मोहसिन नकवी पैसे लगाने मिसाल के तौर पर स्टेडियम की अपग्रेड्स पे, दैट्स ग्रेट. इफ हाँ हिज अप्रोच इज टू स्पेंड अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स फाइन. इवन विद रैम्बो दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज यू रैशनलाइज इट द सेम वे. लाइक इफ द पीजीएल वाज समथिंग व्हिच वाज इन ऑफ शूट ऑफ द पीएसएल, इट वुड हैव बीन अ आइडिया, वी वुड हैव बीन कंप्लीटली बिहाइंड. मेक सो मच सेंस कि आपकी जो एक बनी हुई प्रोडक्ट उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो. अगर आपको इसी तरीके से वेमेन्स प्रीमियर लीग खड़ी करनी है, फाइन, यू डोंट इवन मेक इट, यू डोंट हैव टू हैव द सेम पीएसएल टीम्स ओनिंग इट, बट यू कैन रन इट कंकरेंटली और व्हाटएवर व्हाटएवर, आप वो कर दीजिए. आपको प्लेयर्स की ओवरऑल सैलरीज बढ़ानी है, यू डू दैट, यू इन्वेस्ट इन टू यू नो हैविंग डोमेस्टिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट और वट एवर, एंड गेट यू नो इज कम्पेटिटिव एंड कम्पेलिंग टू वॉच. वो सारी ऑप्शन छोड़ के आप एक वही नई तरीके में जा रहे हैं ताकि इस पर सिर्फ आपका नाम आए और फिर ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर बींग ब्रॉट ऑन ताकि वो उसको डिफेंड करें. मतलब इट्स सो हिलेरियसली स्टूपिड. और उसी लिए कि चलो ठीक है आप ये कर रहे हैं, मगर आप एक गरीब मुल्क हैं जिसके क्रिकेट के इकोनॉमिक
फ्यूचर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वनरेबल. उस बात को मद्देनजर रखते हुए एंड दिस इज वेयर यू नो लाइक दिस इज वेयर लाइक आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम यू नो जस्ट इवन दिस बोर्ड और जस्ट दिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाकी भी क्रिकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो लोग यू नो पाकिस्तान में होते हैं, इसको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, ये हमेशा इसी पर बात खत्म हो जाती है. बट ये है कि भाई अगर इनको पैसे दे रहे हैं, what is the return that we're getting, what is the impact you're supposed to see, अगर आप ये सवाल उठाना शुरू करें and then you look at the bigger picture, तो वहां पे it is an urgent need for you to set up a sustainable domestic system, not just the PSL. But definitely don't mess with the one thing that's going right. Like, जो सबसे बड़ी ख्वारी की बात है कि चलो वो और कोई acknowledge कर रहा है नहीं कर रहा है, but इसलिए भी शायद नहीं कर रहा है क्योंकि PSL एक successful चीज़ है 9 साल से. लोग अब भूल जाते हैं, it took Pakistan the longest out of the major boards to get a T20 tournament going. और उसका नतीजा आपको नजर आ रहा था कि आपके players were years behind everyone else in white ball cricket. The PSL came, suddenly your team catches up. Now it has brand recognition, it has long-term business partners, it's got more stakeholders. But what you mentioned in that last episode, ke chairman jo bhi aate hain unko itni sardi hai ke ek dedh mahine ke liye they have to share power with other stakeholders, that they seem to be absolutely hostile towards the league, and each one of them has tried to find some way to destroy the league or at least weaken the league, ताकि वो अपना कोई pet project सामने लाए. और ये pet project जो आ भी रहा है उसमें मतलब कि just the very fact कि पहली चीज़ हमें ये पता चली है कि इतनी ज़्यादा रकम जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ही नहीं, इतनी ज़्यादा रकम इतनी फजूल चीज़ में खर्च हो रही है. अगर ये कहते कि जी they're spending $3 million on getting new broadcasting equipment, I would have still felt that that's maybe not the best investment you can make, but sure. लॉन्ग टर्म कोई किसी किस्म की तो सोचो, कुछ तो रिटर्न इसका आएगा. आप अगर मतलब $3 million की पिचेस कहीं नहीं करवा रहे हैं, या वुमेन्स क्रिकेट, या रूरल एरियाज में, व्हाटएवर, सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट डेस्परेटली नीड्स इन्वेस्टमेंट, द सैलरीज ऑफ 5 mentors हु हैव, एंड मे बी इफ यू हैड देम एज कोचेस आई वुड स्टिल बी लाइक फाइन, एंड मे बी इट्स अ लॉट, बट श्योर let's you know, ठीक है अगर ये आपका रूट है, I still have a lot of issues with it, but at least कुछ तो justification आती है. यहाँ पे तो आप इनको भी मौका नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी you know इतनी बड़ी सैलरी हलाल कर सके. So that part of it is scary. It's not just like upsetting or frustrating, it's scary because like आप जब एक दफा इतना बड़ा you know investment कर रहे हैं, you're saddling the board with all these huge debts and all these huge you know like loss of not just like income but maybe like brand value and audience interest, like it's definitely a lot worse than like whatever the result against Bangladesh or England or South Africa in the coming home series will be. You know, it's just such a, so Mohsin Naqvi is on record earlier in the year, March mein, I think Kakul Wakul ke time pe, he said that look, ye jo paise hain reserves mein PCB ke, we don't want to just leave them there. We want to spend them. We want to spend them on cricket. I want to spend all of it on cricket. Basically, words to that effect. And that is fine, you know, because your intent is that you want to improve the game. You use that money to improve the game. Of course, it's not public money. Kahin tax wax pe money nahi. This is money that the PCB has made by itself. It's not leaned on the government for money or anything. Aapke paise hain, aap zarur kharch karein. Aur cricket ki behtari pe aap खर्च करें. लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, जितनी भी मैंने कोशिश करी है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3 tournaments जो आपने ऐड करें, यार दिस इज ऑलरेडी लाइक फॉरगेट द 3 tournaments, दिस इज ऑलरेडी योर बिजिएस्ट होम सीजन इन ईयर्स, इन ईयर्स. इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप बाहर भी जा रहे हैं, PSL को आपने मूव कराया बिकॉज आपकी एक और इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें 3 और tournament डालने का क्या तुक है, उससे आप क्या निकाल रहे हैं अदर देन द फैक्ट दैट इट्स अ वैनिटी प्रोजेक्ट. ये देखिए मैंने अंडरपास बना दिया, ये मैंने एक रोड यहां पे बना दी, यहां पे रोड की जरूरत नहीं थी मगर मैंने बना दी है, और ये ब्रिज मैंने बनाया, ब्रिज के नीचे कुछ है नहीं मगर मैंने बना दिया है. आप देखें मैं क्या काम, मैंने क्या जबरदस्त काम करा. इट्स जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड यू नो व्हाट, इट्स गोइंग टू इंपैक्ट ऑन द प्लेयर्स. आप
ये जो वर्कलोड वर्कलोड मैनेजमेंट की बकवास कर रहे थे आप शुरू में इन प्लेयर्स की, कि नसीम शाह को हम 100 में नहीं खिलाने खेलने देंगे बिकॉज हमने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, उसे आपने वैसे ही एक टेस्ट खिलाया दूसरे में ड्रॉप कर दिया, तो ये आपकी बहुत जबरदस्त वर्कलोड मैनेजमेंट हो गई। एक टेस्ट उसने खेला है 13 महीनों में, 14 महीनों में। अभी जो पाकिस्तान का स्केड्यूल है, ये टूर्नामेंट खत्म होगा 29 सितंबर को, और फिर आई थिंक 3 या 4 से आपकी इंग्लैंड की सीरीज शुरू होनी है, लाइक उसकी प्रिपरेशन शुरू होनी है, कैंप शुरू होना है, एंड दे एक्सपेक्ट ऑल पाकिस्तान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स टू बी प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, यानी ये नॉन निगोशियबल है। फखर जमान का कॉन्ट्रैक्ट CPL पे इन लोग ने कट शॉर्ट करवाया है बिकॉज ही हैज टू कम बैक एंड प्ले इन दिस चैंपियंस कप। अच्छा, इस चैंपियंस कप की कौन सी इतनी अहम, कोई 50 ओवर की क्रिकेट आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, लेकिन यू नो दैट्स स्टिल दैट्स फेब, आप अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में खेल रहे हैं, फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके दरमियान आपको 7 टेस्ट और खेलने हैं बिफोर दैट चैंपियंस ट्रॉफी हैपेंस, यू नो, तो आई मीन कहां से ये प्रेपरेशन है उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? आप प्लेयर्स की अर्निंग्स अगेन आप हिट कर रहे हैं, यू नो, आपने नसीम की अर्निंग्स हिट करी है, आपने शाहीन बाबर रिजवान की करी है, आपने उसामा मीर बेचारे की करी है, द वर्स्ट वन ऑफ द ऑल वाज उसामा मीर को आपने जो NOC नहीं दिया था, अब आप फखर जमान को आपने वापस बुला दिया है CPL से कि आप आके चैंपियंस कप में खेलें, जिसका अभी तक इन्होंने ब्रॉडकास्टर अनाउंस नहीं करा है, अभी तक कोई कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड नहीं आया है, शायद आ जाए बिकॉज चेयरमैन के भी कॉन्टैक्ट्स हैं माशाल्लाह, ही इज नॉट एन अनइन्फ्लुएंशियल गाय इन दिस कंट्री, तो कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए, लेकिन यू नो पॉइंट क्या है इस टूर्नामेंट का, मुझे कोई ये बता दे कौन सा गैप ब्रिज हो रहा है, कौन सा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का गैप ब्रिज हो रहा है, जो यू नो मेंटोर्स के थ्रू और वही प्लेयर्स जो ये जो हमने स्क्वाड लिस्ट, एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड लिस्ट देखी है टूर्नामेंट की, उसमें से कितने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मूव हो चुके हैं US, लाइक दीज आर दोज क्रिकेटर्स हु हैव गिवन अप ऑन क्रिकेट इन पाकिस्तान एंड मूव टू द US, जो USA ऑफर कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स MLC के लिए और अपने क्लब क्रिकेट में खिलाने के लिए, वो मूव हो चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ऑलरेडी नो कह दिया है। आपने ऐसा एक कॉन्सेप्ट करा है कि अहमद शहजाद इज लुकिंग लाइक द मोरल राइचियस हीरो इन दिस एंड यू गाइस आर लुकिंग लाइक द लूजर्स। अहमद शहजाद वाज इन द स्क्वाड फॉर वन ऑफ द टीम्स एंड ही इज पुल्ड आउट सेइंग कि नो आई विल नॉट प्ले दिस टूर्नामेंट। सोहेब मकसूद बेचारा कह रहा है कि आपने 35 साल उम्र के ऊपर से प्लेयर्स को आपने क्या मरवा दिया है, क्या उनका हक नहीं बनता है डोमेस्टिक करियर करने का, यानी आर वी ऑल सपोज टू रिटायर एट 35 बिकॉज दैट सक्स। तो यू नो आई मीन लाइक what is going on like for god's sake guys, like for god's sake and to shoehorn it into your busiest calendar in years just to me seems like, you know, here are some people who are running the game who know absolutely bleep all about the game. I mean, aur isme main ek aur cheez bhi add karna cha raha tha ki jo isme aap champions cup aur in sari cheezon pe jo apni tawajjuh dal rahe hain, PSL में जहाँ तक आखिरी मैंने सुना था, मिस अभी जो उनका बोर्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट है, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड वाज आइदर देयर इज नो वन इन इट और देयर इज वन पर्सन वर्किंग इन इट, एंड दिस इज द PSL जो रमजान की वजह से IPL के खिलाफ आएगी, तो यू नीड टू लाइक यू नो देयर इज अ वर्ल्ड इन विच यू कैन डू अ सक्सेसफुल PSL alongside the IPL and it will require a lot of long-term planning and a lot of really amazing management of different moving parts and a lot of luck for that to happen. But yeah, like you're literally trying to burn it down to the ground, which is absolutely crazy to see, to build something jo jaisa ki wahi kaha ke matlab Ahmed Shahzad ne jahan tak maine suna hai isliye bhi nahi kar raha hai kyunki contract mein hai ki aap YouTube shows or aisi cheeze nahi kar sakte, so you know like you're like you have to be under 35 and you can't have any other sources of income outside of cricket, aur jo in matlab cricket mein jo aapko ye limited time ke liye CPL aur GT20 aur 100 ke contracts aa rahe hain jo aapke contract mein allow hain aapko pursue karna, wo bhi nahi karne denge aapko, so that you play this stupid tournament jahan pe aapko koi khas paise bhi nahi ban rahe, na hi aap international, matlab you know as you said like it's not like the Champions Cup ka pool is made up of international players, it's made up of different types of players, it's being played on some completely brand new conditions or whatever, whatever. It's literally the exact same shit as before, jisko aapne, you know, double, matlab control C, control V,
रीनेम एंड ये करके आपने डाल दिया एंड यू आर कॉलिंग इट दिस ग्रेट अचीवमेंट, बट रियली जस्ट लाइक स्टैलियंस और वुल्व्स और डॉल्फिन्स करके इट्स नॉट वेरी गुड. एंड आई वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग, आई एम रियली सॉरी काफी देर से मैं बात कर रहा था, बट द लेवल ऑफ दिस बोर्ड कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द कंपनी दैट वॉज स्पॉन्सरिंग दिस टेस्ट मैच सीरीज. लाइक आई ट्राई एंड फाइंड अ लिंक एंड पुट इट डाउन देयर. मतलब ये पिछले 10 साल से पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्री एमिनेंट स्कैमर्स हैं, जिसमें अर्तुगुल को भी इन्होंने स्कैम किया, शाहिद आफरीदी ने मतलब ट्वीटें निकाली कि भाई मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लग चुके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया है. और अभी बिकॉज आई गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक व्हाट द हेल इज अ पर्पस बिल्ट टूरिज्म सिटी, लाइक आई हैव नेवर, दिस इज द मोस्ट जार्गन फिल्ड नथिंगनेस, लाइक इट साउंडेड सो शेडी. एंड देन पता भी चला कि मतलब शेडी तरीन लोग जिनके ऊपर हर किस्म के घिनौने इल्जाम आते हैं वो इस सीरीज को स्पॉन्सर करते हैं. दैट्स हु द बेड इज द बोर्ड इज गेटिंग इन बेड विद. सो इट्स जस्ट एन एब्सोल्यूट. एंड यू नो जस्ट टू गो बैक टू योर पीएसएल पॉइंट बाय द वे, एंड हु दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ बेड विद इज द पीएसएल, राइट? व्हिच लेट्स ब्रेक दिस डाउन. द फ्रेंचाइज फीस दैट द सिक्स फ्रेंचाइजेस पे टू द पीसीबी every year are probably fetch them around $15 million, 15, 17, $18 million a year. So PCB gets that from the franchise without doing anything. More rights have been sold. So they're getting that money every year. That's, you know, and the PCB's biggest source of income at the moment is the new ICC rights money, which is like $34 million a year, which until last year was like $16 million a year. So जो आपको आईसीसी से मिल रहा था वो आपको सिर्फ पीएसएल की फ्रेंचाइजेस से मिल रहा है, ठीक है ना? अब वो आईसीसी का बढ़ गया. देन यू हैव अ ब्रॉडकास्ट डील व्हिच आई थिंक द लास्ट वन वाज अबाउट $24 million फॉर टू इयर्स, एंड सो द नेक्स्ट वन और द करंट वन इज अराउंड दैट फिगर. सो अगेन दैट्स अनदर 10 to $12 million अ ईयर. सो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट इज ऑलरेडी बिल्ट फॉर यू. It's running effectively by itself, even though it's one person running, like one guy in the PCB running or whatever. This is a product that is ready built. It has a reputation. It has a brand. It has a certain cachet and value in the international market. It's now doing something bold, I believe, which is, you know, it's trying to break out of a calendar issue that it can't do much about. Ramzan ki issue ke baare mein kuch nahi kar sakte. So they're taking the bold way and they're going, okay, we're going to go into that window where nobody has ever gone before. Boldly go into that window. ये आपको हर साल के basically कितना हो गया? 20-25 million dollar बना रहा है. उसकी वजह से आपके reserves ठीक ठाक PCB में बढ़ गए हैं over the last few years. This is the product that you're actively cannibalizing and downplaying and trying to strip to its bare bones. You're constantly fighting with the franchise owners. हमेशा वो तपे रहते हैं. हमेशा कुछ ना कुछ tension उनके साथ रहता है. उनके साथ आपने ये करा है और आप ऐसे पैसे यू नो बहा रहे हैं कि लाइक इट्स गोइंग आउट ऑफ फैशन, और आप पैसे खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों पे. ये चैंपियंस कप की क्या वैल्यू होगी, क्या इससे निकलेगा, किसी को कुछ नहीं पता. जबकि आपके पास, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से विल आर्ग्यू अगेंस्ट दिस और कॉमेंट्स में यू नो द पीपल माइट गो क्रेजी कि पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं रही है, पीएसएल ने बर्बाद करा है पाकिस्तान क्रिकेट को. दैट्स क्रैप. लाइक literally speaking, very factually speaking, the PSL has helped you stay afloat, survive and thrive despite not playing like 10 years of international cricket at home and despite not playing against India. It has helped Pakistan cricket like survive and thrive to a degree. So, you know, let's not even go down the player development. So, baat hi main nahi kar raha hu ki kaun se players aaye hain, kaun se nahi aaye hain. This is what it's done for you. And this is the product that is yours that you don't seem to give a damn about. PSL, main Champions Cup karunga. So, you know, it's just astonishing to me. Mera, I can't get my head around it. Mujhe samajh mein nahi aa raha hai ki, yaar, agar kabhi hoga nahi ye zindagi mein, magar agar main chairman hota, ya mujhe koi kehta ki, yaar, aap chairman ban jaye, Shahbaz Sharif se aa jaye, ek SMS aa jaye, ki sir, aapki VN dekhni hai, mujhe aap chairman ban jaye. Main agar chairman banta na, to I would like look at the PSL and I'd be like, damn, this is my gravy train, man. I need to let this train flow and go as fast as it can so that I can keep bringing that money in so that I can make the rest of Pakistan cricket look good.
कि और सब जो हमारा बकवास हो रहा है ना, उस पैसे से चलो यहां पे भी मेकअप लगा लेते हैं यार। मैन आई मीन इट्स लाइक अगर पीसीबी इज बैटिंग राइट, सो गेट्स जस्ट ऑर्गेनाइज द पीएसएल एवरी ईयर, लाइक हाफ फुल टॉस इवन, यू नो, और पीसीबी वेल लेफ्ट, ओके, ऑर्गेनाइज अ वुमेन्स पीएसएल, यू गॉट अ ह्यूज ह्यूज इंटरेस्ट एंड ह्यूज टैलेंट पूल, ह्यूज विन, इंट्रोड्यूस दैट हाफ वॉली, वेल लेफ्ट, यू नो, आपके पास यू कैन यू हैव लाइक दिस अनटैप्ड potential of like just organizing your club levels, your school level, your so many levels जहाँ पे cricket खेली जा रही है, it's being self-organized. Just step in there, you know, you've seen success with like your blind cricket teams, your differently abled teams, like invest इनमें सिर्फ लाखों के खर्चे करते हैं, करोड़ों की भी बात नहीं है, और आप चीजें, you know, these are all वो सारी well left करते हैं. How about creating a new tournament that cannibalizes existing established practices brands while recycling old freaking brands? Like literally, like a bouncer पे reverse sweep करना है, वो शॉट आपके पिछले तीन बोर्ड्स खेलने की कोशिश किए जा रहे हैं. एंड इट्स जस्ट यू लाइक ड्यूड, दिस इजेंट लाइक दिस, यू नो, दिस इजेंट मेक बिलीव, दिस इजेंट लाइक समथिंग हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज, दिस इज रियल लाइफ, एंड millions upon millions of people really care for this sport and their livelihoods are linked to the sport, or for this entire class of Pakistani, it's the only way कि इस मुल्क में आप legally गरीब होने से अमीर हो सकते हैं, you know, it's a legally you can find a way into society that kind of changes your economic and social future. It's literally the only thing, और इसको भी आप इतनी बेवकूफी के साथ डील कर रहे हैं, इट्स वाइल्ड. एंड आई थिंक दैट्स वेयर, यू नो, इट्स ऑब्वियसली ऑन द पीपल हु डू दिस, इट्स ऑब्वियसली ऑन द गवर्नेंस, बट इट इज ऑल्सो ऑन द मीडिया फॉर श्योर, एंड यू नो, मे बी इवन द फैंस, के लाइक यार आपके मुल्क में और कुछ हो, कोई और स्पोर्ट है भी नहीं, थोड़ा तो जरा गौर से देखें कि चल क्या रहा है, लाइक यू नो, गेट आउट ऑफ द तू तू मैं एंड ये हो गया, उसने ये बोला, उसका ये इतना फलाना ढमकाना, लाइक दीज आर ह्यूज स्ट्रक्चरल इशूज दैट हैव बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और शायद पहले आप इस पर सोचते नहीं थे, बट सिंस द टेररिज्म अटैक्स, सिंस द फॉल आउट विद इंडिया, सिंस इवन समथिंग लाइक कोविड, लाइक यू हैव टू रियली रियलाइज कि दुनिया बदल गई है भाई, अगर आप अभी से नहीं कुछ सेटअप करेंगे तो यू कैन नॉट गारंटी दैट यू हैव दिस स्पोर्ट अराउंड व्हेन यू कीप मेसिंग अप स्टफ लाइक दिस. एक एक मैं आखिरी चीज कहूंगा, बिकॉज वी एक्चुअली वी गॉन टू सम लेंथ इन दिस एपिसोड. आज आज सुबह ही में मैं एक क्रिक इन्फो के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, जस्ट आफ्टर द, यू नो, लुकिंग एट द सीरीज एंड ऑल, और एंड आर होस्ट, द होस्ट वाज लवली गाय हु वर्क्स फॉर अस, कॉस्ट द इंडियन गाय, एंड यू नो, मैं और दानियाल उसे बता रहे थे कि यार पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में ये हुआ है और ये करा है उन्होंने और ऐसा करा है और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इट वॉज अ ब्रिलियंट आउटसाइड परस्पेक्टिव, लाइक फ्रेश आईज. हाँ, एंड उसे थोड़ा बहुत पता है, बट यू नो द डिटेल, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन नोज द डिटेल ऑफ द डिटेरियरेशन और व्हाटएवर. तो वो कहता है कि यार फॉरगेट लाइक द रिजल्ट ऑफ द सीरीज, इट्स अ मिरेकल दीस बॉयज एक्चुअली टर्न अप एंड प्ले फॉर पाकिस्तान. एंड आई वाज लाइक डैम, यू आर एक्चुअली राइट. इस इन हालात में जिस तरह से ये ट्रीट होते हैं प्लेयर्स, अभी भी जिस तरह से ट्रीट होते हैं, यू नो, पीसीबी ट्रीट्स प्लेयर्स टेरिबली यार, एक एक वो पुराने जमाने के जो पेरेंटिंग हैबिट्स होती थी, उस तरह से ट्रीट करते हैं कि डांटो और डंडे पे रखो और बस इन्हें दबा के रखो कि इन्हें कुछ एकदम ग्रो ना करने दो, इन्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, अपनी हैसियत इन्हें दिखाओ, ये सब बकवास. उस तरह से ये बोर्ड भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है, यू नो, और पिछले दो तीन बोर्ड से ये चल रहा है, ये ऐसे ट्रीट कर रहा है. सो यू जस्ट वंडर, and it goes back to what we were saying about Babar and Shaheen, ki yaar, it maybe is like a minor miracle that 11 of them turn out and play against Bangladesh, like forget losing, but it's a minor miracle that they turn up and they say ki haan, hum Pakistan ke liye khelenge as employees of the Pakistan Cricket Board, we will play for Pakistan for a pittance, for an organization that treats us like crap, in front of empty stands, because the organization that treats us like crap can't be bothered to schedule matches in such a way and in such places where we can actually afford to bring people into the stadiums. And we'll play them at such gaps that, you know, some of us have almost forgotten the game the next time we play it. It is a minor miracle that they're turning up. And maybe that's the way we should start looking at this. Ki yaar, har baar jo Pakistan field pe aata hai,
ये एक छोटी सी जीत है। 100% बैन। एंड आई थिंक के इनफैक्ट इसकी भी हम लोग वी गॉटन टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो ये भी नहीं हो रहा था, जो भी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही थी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी। द फैक्ट दैट वी हैव इट बैक मीन्स दैट देयर इज वी शुड वैल्यू इट अ लॉट मोर, बट people who run it should value it a lot more. That's the, I think that's the point. The people who run the game should value it a hell of a lot more than they value it right now. Anyways, that is butta fast for this I don't know, week, fortnight, whatever. Hopefully we'll be back soon. I think we should do a daily show for the Champions Cup. Oof. We should do 50 lakh episodes for the Champions Cup. We should do like a mentor watch. कि आज हम accountability करेंगे, आज mentor ने क्या करा है? जबरदस्त। देखा मिसबाल हक ने अपनी थोड़ी सी दाढ़ी trim कर दी है। Amazing mentorship. But yes, मुझे और उस्मान को इजाजत दें। We'll be back inshallah next week. Till then, take care. Bye bye.